नमस्कार, आरडी एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर 2021 18 सितंबर को कनेक्ट करवाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में सबसे पहले एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में राजस्थान जीके के सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो का वनस्पति क्या नाम है? हॉर्डियम वल्गर। उसके बाद में दो नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1873 में की, जिसका मुख्यालय पुणे में। तीन नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। किस अनाज की फसल में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम होती है? मक्का की फसल में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम होती है, मक्का की। उसके बाद चार नंबर बात करेंगे क्वेश्चन में। 10 हेक्टर क्षेत्र है तो 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टर से कितने यूरिया की आवश्यकता होती? 3255 केजी यूरिया की आवश्यकता होगी। पांच नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हिसार सुगंध DH36 किस फसल की किस्म है? धनिया। छह नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थापना कहाँ की? भोपाल में। सात नंबर क्वेश्चन है, एक मर्दा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है, जिसका रंध्र अवकाश कितने प्रतिशत है? 42% है इसके क्वेश्चन। उसके बाद में आठ नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? अंधी गुड़ाई गन्ने की फसल में की जाती है। नौ नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसका शुभारंभ हुआ 14 अप्रैल 2016 को। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आधार बीज फाउंडेशन सीड के किस रंग का टैग लगा होता है? सफेद रंग का टैग होता है आधार बीज या फाउंडेशन बीज के थैले पर। उसके बाद हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में। भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है? थर्ड बी में। उसके बाद में बात करेंगे 12 नंबर, पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? टमाटर की किस्म है पंजाब छुआरा। उसके बाद में बात करेंगे बाजरा का परजीवी खरपतवार स्ट्राइगा स्पीसीज। और 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई विपणन योग्य फसल की उपज है, जल उपयोग दक्षता। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वर्ड जेम्स लॉर्ड नॉर्थबर्ग ने। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बासमती चावल की संकर किस्म PRH10। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ISOSS के अनुसार सिल्ट कणों का आकार 0.02 से 0.002 तक होता है। उसके बाद में बात करेंगे 18 नंबर, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? जवार फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, किस फसल को रेशे का राजा भी कहा जाता है? कपास फसल को रेशे का राजा भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? परत अपरदन होता है, उसे लंबे समय तक ये पता नहीं चलता है कि इससे अपरदन होता है या नहीं होता है। उसके बाद में बात करेंगे 20 नंबर, नर्सरी में पौधे उगाने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? नर्सरी में पौधा उगाने के लिए सबसे पहले स्फेग्नम मॉस मर्दा पेलाइटस। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रणालीगत कीटनाशी कौन सा है?
डाइमिथोएट। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वाइनस निनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? अंगूर। 24 नंबर बात करेंगे क्वेश्चन का, इसको चाइनीज लेयरिंग, एयर लेयरिंग, मार्केटिंग या गुटी के नाम से जाना जाता है, एयर लेयरिंग। 25 नंबर, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है, बेर। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, उसके बाद में बात करेंगे। 26 नंबर, शुगर बेबी किस फसल की किस्म है? तरबूज की। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व में आम उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? अनार। उसके बाद हम बात करेंगे 19 नंबर, लिकोरिस को किस नाम से जाना जाता है? मुलेटी या लिकोरिस, इसका मुलेटी का दूसरा नाम है। उसके बाद हम बात करेंगे 30 नंबर, पुष्कर की खेती के लिए जाना जाता है, पुष्कर किस खेती के लिए जाना जाता है? पुष्कर में सबसे ज्यादा गुलाब की होती है, गुलाब में चेती गुलाब का सबसे ज्यादा खेती पुष्कर में होती है। उसके बाद में बात करेंगे 31 नंबर, यह पौधे की संदाई की एक कला है जिसमें पौधे को सजाने के आकार दिया जाता है, टोपिएसी, सजावटी आकार दिया जाता है, टोपिएसी। खजूर का वनस्पति नाम फिनिक्स डेक्टाइलिटिफेरा। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है? कितने प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? 0.5 से 1%। उसके बाद में बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की, जैम में साधारणतया टीएसएस कितने प्रतिशत होता है? 68.5। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्राइम ऑफ इंडिया किस फसल की किस्म है? पत्ता गोभी। ये क्वेश्चन जेड 2020 में आए थे। और उसके बाद में बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करेंगे। 36, जिब्रेलिन की खोज किसने की? कुरुसावा ने 1926 में जिब्रेलिन की खोज की। और उसके बाद में 37, गोदांति की फसल से संबंधित है, गोदांति किस फसल से संबंधित है? नींबू वर्गीय फल से संबंधित। उसके बाद में 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, कोपरी सीतमाल व कोपरी अलंकार किस की किस्म है? आलू की। उसके बाद में भंडारण के लिए प्याज के फूटान की रोकने के लिए कौन सा बडवार नियंत्रण प्रयोग किया जाता है? मेलिक हाइड्रोजाइड हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, इस हार्मोन के प्रयोग से उसके बाद में प्याज का अंकुरण बंद हो जाता है। और उसके बाद में बात करेंगे सिंचाई की, यह प्रणाली पौधे को उसके उपभोग के उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति कराती है, बूंद बूंद सिंचाई विधि से पानी जितना पौधा उपयोग करता है उतना ही बूंद बूंद सिंचाई विधि उसको पौधे को उपलब्ध करवाती है। उसके बाद हम बात करेंगे टिपर किसे कहा जाता है, टिपर किसे कहा जाता है? पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को हिपर कहा जाता है। इसमें अभी क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बकरी की विदेशी नस्ल है टोगनबर्ग। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, दुग्ध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में भारत में बकरी आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कितने प्रतिशत पूरे भारत की बकरियों में से राजस्थान में प्रथम स्थान है? उसके बाद हम बात करें मेमने में पूंछ हटाने को क्या जाता है? डॉकिंग। मुहपका खुरपका रोग एक सहसा रोग है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाता है। भारत में पाई जाने वाली ऊंट की
कुबड़ युक्त ओरेबियन प्रजाति की सामान्यतः क्या जाता है, डोमेड्री। उसके बाद हम बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की, किसका प्रयोग पशुओं में विरचक के रूप में किया जाता है, अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में 49 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो नस्ल भी कहते हैं। उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन के, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, भदावरी रंग का, भदावरी भैंस का रंग तांबे के आकार का है और तांबे के रंग जैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक राजस्थान में। उसके बाद हम बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन की, हैसिया के आकार के सींग किस भैंस की नस्ल है, सूरती। उसका हैसिया के आकार के सींग होते हैं सूरती। उसके बाद हम बात करेंगे 53 नंबर, किस का उपयोग होता है, नवजात बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, किस रोग को न्यू कैंसर डिजीज के नाम से जाता है, मुर्गियों में प्रमुख रोग रानीखेत या न्यू डिजीज रोग कहते हैं, रानीखेत कहते हैं न्यू कैंसर डिजीज। गाय की होलिस्टीन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है ऑरलैंड। उसके बाद में केपरा हिरकस किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम बकरी का। उसके बाद हम बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, यदि दुग्ध का CLR है तो दुग्ध की विशिष्ट गुरुत्व होगा 1.028, यदि दुग्ध CR 28 हो तो। उसके बाद हम बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन के बारे में, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल मेरिनो नस्ल सबसे लोकप्रिय है, इसका लगभग पूरे विश्व में 80% ऊन उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 59 क्वेश्चन, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या 34 होते हैं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कृमि नाशक दवा पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 आने वाले राजस्थान जीके के।